फ्री फायर की तीन सबसे मेन स्नाइपर है AWM, M82B एंड Kar-98। बाकी गन्स में डिफॉल्ट एम वर्क करती है, जैसे कि हमारा एम ऑटोमेटिक से बंदे पर चिपकता है, लेकिन किसी भी स्नाइपर पर डिफॉल्ट एम वर्क नहीं करती, एंड इसलिए इस वीडियो पर हम लोग कुछ सीक्रेट ट्रिक्स को जानेंगे और बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ कुछ सीक्रेट सेटिंग्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फायर बटन साइज की। हम लोग वन टैप मारने के लिए छोटे फायर बटन साइज का यूज करते हैं, लेकिन स्नाइपर का यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा फायर बटन साइज चाहिए। जैसे कि जब भी मैं डिजर्ट ईगल शॉर्ट गन या फिर UMP गन का यूज करता हूं, तो मैं अपने फायर बटन के साइज को 50 से छोटा रखता हूं। लेकिन जब भी मैं स्नाइपर का यूज करूं, तो अपने फायर बटन साइज को 53 या फिर 55 पर करता हूं। शाबाश, क्योंकि स्नाइपर पर हमारा डिफॉल्ट एम वर्क नहीं करता। तो अब जानते हैं बेस्ट सेंसिटिविटी। बेसिकली किसी भी स्नाइपर पर दो सेंसिटिविटी ही वर्क करती। नंबर वन पे आता है जनरल एंड नंबर टू पे आता है स्नाइपर स्कोप। तो सिंपली तुम लोग जनरल को चाहो तो फुल या फिर 99 पर रखना और अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को 95% पर रखना। और तुमने भी देखा होगा कि जितने भी स्नाइपर यूज करने वाले यूट्यूबर्स, वो सारे अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को कभी भी फुल नहीं रखते। कोई 85, 90 या फिर 95 तक ही रखते हैं। की बात छीन ली। तो देखो, जब भी हम लोग किसी अदर गन का यूज करते हैं, चाहे वो UMP हो, शॉर्ट गन हो या फिर डिजर्ट ईगल, तो हमें यहाँ पर मिडिल पर एक मार्क दिखाई देता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस हेयर, और ये हमें हेल्प करती है बंदे पर अपने एम को सेट करने में। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी स्नाइपर का यूज करें, तो हमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए तुम्हें अपने कस्टम HUD पर जाना पड़ेगा और या तो अपने इमोट वाले बटन को या फिर अपने पेट के इमोट बटन को अपने मिडिल पर सेट करना, एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम करना, एंड इसकी साइज को भी एडजस्ट कर लेना। इसके बाद तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा पेट इमोट ही तुम्हारे क्रॉस हेयर की तरह वर्क करेगा और इससे तुम लोग अपने एम को बंदे पर सेट कर सकोगे। एंड इसके बाद तुम्हें अपने गेम के सेटिंग पर आना है, एंड गेम के सेटिंग पर तुम्हें मिलेगा होल्ड फायर टू स्कोप। इसको सिंपली ऑन कर लेना, जिससे हम लोग जब भी किसी स्नाइपर पर फायर बटन को प्रेस करें, तो हमारा स्कोप ऑटोमेटिक से ओपन हो जाए। और अगर बंदा रन कर रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग बंदे को डैमेज दे सकते हैं या फिर किल कर सकते हैं, तो इसके साथ ही तुम्हें लॉरा कैरेक्टर का यूज कर लेना है। अबे तू थोड़ा सा क्या? क्योंकि लॉरा कैरेक्टर का यूज करने पर जब भी हम लोग स्कोप को ओपन करते हैं, हमारी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होगी। तो अब जानते हैं हम लोग डबल स्नाइपर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो डबल स्नाइपर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने गेम के सेटिंग पर, और यहाँ पर मिलेगा स्विच बटन जिसको हमेशा से ऑन ही रखना। और जब भी डबल स्नाइपर का यूज करना हो, तो सबसे पहले अपने गन बॉक्स से दोनों गन को स्विच करना पड़े, तब जाके जब भी हम लोग स्विच बटन को प्रेस करें, तो दोनों गन ऑटोमेटिक से स्विच हो। तो डबल स्नाइपर को भी दो अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर वन, जिस पर हम लोग विदाउट स्कोप पर यूज करेंगे, बस सिंपली अपने कर्सर बटन एंड अपने राइट साइड के स्क्रीन से अपने एम को सेट करेंगे और जैसे ही फायर करेंगे, तो तुरंत से स्विच बटन को भी प्रेस करेंगे और ऐसा चलता रहेगा। सबसे पहले एम को सेट करते रहेंगे, फिर फायर करके स्विच बटन को प्रेस करेंगे। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, जिससे अपने स्कोप को ओपन करके डबल स्नाइपर को चला सके। इसके लिए सबसे पहले हमें फायरिंग करनी पड़ेगी, एंड बस फायर बटन को प्रेस करते ही हमारा स्कोप भी अपने आप ही ओपन होगा, क्योंकि हमने होल्ड फायर टू स्कोप वाली सेटिंग को ऑन करके ही रखा। तो सिंपली हमें फायरिंग करना है, देन स्विच बटन को प्रेस करना है, देन स्कोप बटन को प्रेस करना, और ये चीज चलता रहेगा। फायर स्विच एंड स्कोप, फायर स्विच एंड स्कोप बटन। और एम को एडजस्ट करने के लिए आपको भी पता है कि अपने कर्सर बटन एंड अपने राइट साइड के स्क्रीन से मूव करना। सो अब जानते हैं, अगर आपके पास एक ही स्नाइपर है, देन आप लोग किस तरह से डबल स्नाइपर की तरह यूज कर सकते हो। यानी कि मेरे पास है बस एक स्नाइपर, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ जैसे कि मेरे पास हो दो अलग अलग स्नाइपर। तो देखो, इसकी सबसे सिंपल ट्रिक के लिए अपने गेम के सेटिंग पर आओ। गेम सेटिंग पर मिलेगा क्विक रिलोड बटन, इस सेटिंग को सिंपली ऑन कर, देन सिंपली राइट वाले फायर बटन से फायरिंग करो, फिर अपने रिलोड बटन को प्रेस करो, और इसके बाद प्रेस करना स्कोप वाले बटन को। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सबसे पहले फायरिंग करो, फिर रिलोड बटन को प्रेस करो, एंड इसके बाद स्कोप बटन को प्रेस करो, और ये चीज तुम्हें लगातार एंड परफेक्ट टाइमिंग पर करना पड़ेगा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन।
लेकिन अगर तुम लोग एक स्नाइपर को बहुत ही फास्ट एंड सबसे सिंपल ट्रिक जानना चाहते हो, लेकिन उस ट्रिक को बताने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर आप लोग गिल्ड टेस्ट देना चाहते हो या फिर ब्लॉग वीडियोस देखना चाहते हो तो सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिलेगी, जाके सब्सक्राइब करो। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक स्नाइपर एंड मैं काफी मूवमेंट स्पीड के साथ चला रहा। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक स्नाइपर एंड एक ग्लू वॉल। आपको ज्यादा बटन्स को प्रेस नहीं करना, बस फायरिंग करो एंड ग्लू वॉल को लगाओ, फिर से फायरिंग करो एंड फिर से ग्लू वॉल को लगाओ। इससे आप लोग कवर भी होते रहोगे एंड आपका स्नाइपर रिलोड नहीं लेगा। सही बात। अब कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, इसको तुम लोग ध्यान से समझना। नंबर वन, तुम लोग स्नाइपर के साथ किसी अदर गन का यूज कर सकते हो। जैसे कि एक स्नाइपर का यूज करो एंड तुरंत से स्विच करके दूसरे गन से डैमेज दो। इससे बंदे को मौका भी नहीं मिलेगा एंड बंदा आराम से किल होगा। नंबर टू, हम लोग जब भी किसी AWM या फिर किसी भी स्नाइपर का यूज करें तो फायर बटन को बस प्रेस नहीं करना, बल्कि फायर बटन को ड्रैग करते हुए प्रेस करना है। बंदे जिस भी साइड दौड़ रहे हो उसी साइड पर अपने फायर बटन को ड्रैग करते हुए प्रेस करना। इससे तुम्हारा एम बंदे पर अच्छे से कनेक्ट होगा और बंदे को किल भी कर सकोगे। वाओ। नंबर थ्री, जिस पर तुम्हें इस मिस्टेक को कभी भी नहीं करना। तुम लोग फायरिंग करने के बाद जब भी गन को स्विच करो तो तुम लोग काफी फास्ट स्विच नहीं करना। तो परफेक्ट टाइमिंग को जानने के लिए जब भी तुम लोग फायरिंग करो तो उसके बाद एक साउंड सुनाई देगी। ये साउंड सुनाई देने के बाद ही अपने स्विच बटन को प्रेस करना एंड अपने गन को स्विच करना। तो आज के लिए बस इतना ही AWM हेडशॉट ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।